विचारों का भ्रम या रियलिटी के विचार नहीं करना या वास्तववादी विचार नहीं करना या वैसे विचार नहीं आना, उसमें कितनी तकलीफ खुद को हो सकती है या घर वालों को हो सकती है, उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ मैं। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है, वहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाना, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। मैं आपको एक केस स्टडी सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति आया, अराउंड 35-36 साल का है वो, उसके पत्नी के साथ में आया और उसके पत्नी ने उसको लाया और वो बोलता है कि भाई, ये शादी होने के पहले मेरे एक लड़की के साथ में संबंध थे, दोस्ती थी, और बाद में वो उसने नहीं बोल दिया कि भाई मैं शादी नहीं करने वाली हूँ और तुम तुम्हारा देख लो, क्योंकि घर से भी विरोध था, अलग कास्ट की थी, और इसने भी सोचा कि ठीक है, अपनी शादी होके भी कभी मतलब बहुत अच्छा होने वाला, नहीं प्रॉब्लम आएंगे, तो उसने भी उसको नहीं बोल दिया। अब वो वहाँ से उसका संपर्क टूट गया। अब उसने शादी कर लिया, दूसरी शादी कर लिया, अभी उसको बच्चे है 5 साल की। अभी ये शादी होके करीब करीब 9 साल हो गए और वो अभी उसको यही लगता है कि वो जो मेरी दोस्त थी पहले, गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे को बुला रही, कभी उसको उसके आवाज़ आते हैं। बाकी वो काम धंधा अच्छा करता है, सर्विस करता है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है, बाकी काम अच्छा करता है, बर्ताव अच्छा करता है, उसको लगता है कि नहीं नहीं उसकी आवाज़ आते, कभी कभी वो कहीं ना कहीं होंगी और वो कभी आएंगी मेरे ज़िंदगी में और मैं उसके साथ में शादी करूँगा। अब उसको वो कहाँ है वो मालूम नहीं है, उसने उसका रिश्ता तोड़ दिया है, वो गाँव छोड़ के चली गई, वो ना उसके साथ में कॉन्टैक्ट में, संपर्क में है, कहीं कुछ भी नहीं है। उसको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आएंगी, और फिर वो अपने पत्नी को बोलता है कि नहीं, तू ढूंढ के निकाल, तू ढूंढ के निकाल और मुझे बता कि वो कहाँ है। उसके पत्नी ने उसके समाधान के लिए, संतोष के लिए, ठीक है भाई मैं ढूंढ के निकालती हूँ। उसने काफ़ी फेसबुक के ऊपर इधर उधर पोस्ट डाल के रखी है कि भाई ऐसी कोई लड़की है, वो कहाँ है, कहाँ नहीं पता दो, फिर मतलब कोई बता सकता है क्या। इस ये लड़के ने भी कुछ कहीं जगह पोस्ट डाल के रखे कि भाई ये लड़की कहाँ है, मिल सकती है क्या, मगर वो कुछ संपर्क करने में इंटरेस्ट नहीं है, इच्छुक नहीं है। उसके तक पहुँची होंगी वो न्यूज़, मगर वो बोलने में या बात करने में वो कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका, और संपर्क में करती नहीं है, और ये बेचारा सफ़र कर रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं वो कभी ना कभी एक दिन तो मेरी ज़िंदगी में आएंगी और वो कभी बोलेंगे कि मैं शादी करूँगी। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, हमको एक साल पहले हमको पता लग गया था कि उसने कहीं पूना में है और उसने शादी कर लिया है, उसको 2 बच्चे भी है। बोले फिर निकालो, मैंने बोला उसकी जानकारी निकालो कहाँ है, तो बोले नहीं अभी वो तो हमको मतलब वो संपर्क में नहीं, हमका कॉन्टैक्ट ही नहीं हो सकता, बोले पता ही नहीं क्या है, तो उसके माँ बाप कहाँ है मालूम नहीं, कुछ नहीं हमको पता है, हमने बहुत कोशिश किया पता ही नहीं लग रहा, अभी वो जीवित हैं कि मृत है कोई मालूम नहीं, मगर ये सफ़र कर रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं और फिर वो क्या करता है, पत्नी को फिर कभी दोष देता है, तू मैंने तेरे साथ में शादी क्यों किया, फिर तू ऐसी है, मतलब झगड़े करते रहता है, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा करेगा, फिर पत्नी बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी तुम जाओ, फिर तुम करो शादी उसके साथ में, ढूंढ के निकालो, तो ऐसे आपस में अनबन होती रहती है। बाकी वो कमाता धमाता अच्छा है, बाकी समय रहता भी अच्छा है, मगर उसको वो फिक्स्ड विचार है कि नहीं, वो लड़की जो है वो अभी आएंगी कभी ना कभी, एक दिन ज़िंदगी में आएंगी और मेरे साथ में रहेगी। अब देखो, उसको रियलिटी से कोई चेक ही नहीं, मतलब रियलिटी से उसका कोई रिश्ता ही नहीं, रियलिटी में वो बात ही नहीं कर रहा है। जो हुआ वो कितने साल पहले हो चुका है, अभी उसको मालूम भी नहीं कहाँ है, तो बोलता कभी कभी आवाज़ आते, कभी कभी ऐसा लगता है कि नवा अभी वो आएंगे मेरी ज़िंदगी में। उसको मैंने दवा दिया, उसको मैंने बोला कि भाई आपको कॉग्निटिव थेरेपी करनी पड़ेगी या रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी करनी पड़ेगी, REBT करनी पड़ेगी, सम्मोहन के माध्यम से मैं आपको ठीक करूँगा। तो मानसोपचार अलग अलग प्रकार के मैं उसको सजेस्ट किया और फिर उसने भी मान लिया कि ठीक है मैं करने को तैयार हूँ। फिर जब रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, REBT जो बोलते हैं, उसका उसके ऊपर मैंने इस्तेमाल किया, उसको हिप्नोटाइज करके उसके ऊपर, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पक्का बैठा हुआ था कि नहीं वो एक दिन आएंगी और एक दिन मेरे शादी करेंगी, एक दिन वो कभी ना कभी मेरे ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे और मैं उसके साथ में रहूँगा, मतलब जो वास्तव में होने वाला है नहीं, जो उसको पता भी है, मतलब कभी कभी बोलता भी है वो कि नहीं नहीं
ये पॉसिबल नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मगर क्या करूँ, वो विचार कभी कभी आते रहते हैं और मेरे को सताते रहते हैं। तो उसको सब तरह के मैंने ट्रीटमेंट कोशिश किया, उसको दवा भी दिया, कुछ मेडिसिन दिया, और उसको फिर धीरे 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 जब उसको बार 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 मैं उसको कन्फर्म कर रहा हूँ कि भाई रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है तुम्हारे बातों में, तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनल नहीं है, और तभी भी वही वही विचार आप कर रहे हैं। जब उसको वो बार बार उसके बारे में उसको कन्फ्रंट किया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में सूचनाएँ आए दिया, तब उसको धीरे 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 वो एक ऐसे लेवल पे आ गया कि ठीक है, अभी आप बोलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह संभव नहीं है, और मैं फजूल वो थाट्स में बार बार जाते रहता हूँ, वो थाट्स बार बार आते रहते हैं। एक 2.5-3 महीने वो जब कंटिन्यूसली मेरे पास में साइकोथेरेपी के लिए आया, तो बाद में वो कम्प्लीटली ठीक हुआ और बोले कि नहीं ठीक है, अभी मैं मतलब पूरा ठीक हूँ, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरा फालतू का वो विचार है वो कभी होने वाला है नहीं, अभी मेरी वाइफ इतनी अच्छी है तो उसके साथ में मैंने रहना चाहिए, और जो विचार है, विचारों का जो भ्रम है मेरा, वो मैं भी निकाल के दे रहा हूँ। फिर उसने ये भी मंजूर किया कि कभी आएंगे तो उसको मैं बाजू में रखूँगा, उसको एक्नॉलेज करूँगा कि ठीक है वो विचार आ रहे हैं और वो ऑटोमेटिक विचार आ रहे हैं, उसके साथ में मैं रहूँगा नहीं, उसको मेरी ज़िंदगी में वो विचारों को डिस्टर्ब करने दूंगा नहीं, और कभी ऐसा रहा तो मैं आपके साथ में संपर्क करूंगा। दोस्तों मुझे आपको ये बताने का है कि हमारा ब्रेन ऐसा है कि वो ऐसा कुछ तो भी अनमन विचार करते रहता है, कुछ भी विचार आते रहते हैं। अभी एक दूसरा मेरे पास में एक लड़का आया, उसको विचार आ रहा है, कभी उसको विचार आता है कि कभी उसको लगता है कि मैं मिनिस्टर हूँ, कभी एक आधे बार उसको विचार आएगा कि मेरे को तो इलेक्शन लड़ने का है, कभी उसको विचार आएगा कि मेरा 1 करोड़ का मकान है। उसका वैसा बर्ताव नहीं है, वैसा कोई बहुत खुश है वो इलेक्ट ऐसा भी नहीं है, मतलब छोटा मुंह करके बताता है, मतलब बोलता है विचार आते रहते हैं मेरे को। तो हमारा ब्रेन ऐसा है कि कंटिन्यूसली विचार आते रहते हैं, कितने सारे विचार हैं कि जो टोटली इरेलेवेंट विचार है। वो एक मशीनरी है, ब्रेन अपनी एक मशीनरी है जिसमें वो थॉट, मतलब मैं हरदम बोलता हूँ कि वो थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन है ना, ऑटोमेटिक थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन, ATM। और वो जो मशीनरी है वो मशीनरी चालू रखती है विचार, कभी वो विचार अच्छे रहते हैं, कभी बुरे रहते हैं, कभी रेलेवेंट रहते हैं, कभी इरेलेवेंट रहते हैं, मगर हमको वो उसके साथ में रहना, जो इरेलेवेंट है उसको निकाल देना, वो कैसे इरेलेवेंट है उसको एक्नॉलेज करना, रेलेवेंट विचारों को खाद डालना, उसको पानी देना, उसको बड़ा करना, निगेटिव विचार आते तो उसको कैसा डिलीट करना, ये सीखना जरूरी है। और वो हमारे वर्कशॉप्स में हम सिखाते हैं, मेरे काउंसलिंग सेशन में मैं सिखाते रहता हूँ कि विचारों को कैसे कंट्रोल करेंगे, विचारों को कैसे बाजू में रखेंगे, विचारों को कैसे डिस्टर्ब नहीं करने देंगे हम हमारे जीवन में, और विचारों के साथ में कैसा रहेंगे। तो वो काउंसलिंग सेशन्स हैं हमारे, उसमें आप आ सकते हैं, हिप्नोसिस के सेशन होते हैं उसमें आप आ सकते हैं, और साइकोथेरेपी के सेशन से उसमें आके आप आपके विचारों के ऊपर कुछ ना कुछ मास्टरी आप ले सकते हो। ये काफ़ी लोगों को विचार है ऐसे आ सकते हैं, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है, मगर लोग बोलते नहीं है। आप ये वीडियो जरूर लोगों को शेयर करो, आपके पूरे कम्युनिटी में, आपके दोस्तों में, आपके फेसबुक के फ्रेंड के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम होंगी और वो अपना जीवन जो है ना वो शक्तिशाली रूप से जियेंगे। क्योंकि लोग इसमें काफ़ी सारी अपनी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, लोग प्रोडक्टिव रहते नहीं हैं, लोग मायूस रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको एक शक्तिशाली जीवन जीने का मौका आप दे सकते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो घंटी का चित्र आएगा ना उसके ऊपर भी क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।